Hello everyone, welcome to Law School. I am Srishti. Now in this class, we will take up the topic of Iddat. Iddat kya hota hai, iska period kya hai, commencement kya hai, ye sab hum log aaj ke topic mein discuss karenge. So, we will be covering following headings in this lecture. First is meaning of Iddat. इद्दत का मतलब क्या होता है. सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इद्दत. इद्दत क्यों ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम वाइफ के द्वारा. थर्ड इज मैरिज ड्यूरिंग इद्दत. इद्दत के चलते जब मैरिज हो जाती है उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, तो क्या वो मैरिज वॉइड हो जाएगी, क्या वो इररेगुलर रहेगी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस हेडिंग में. और लास्ट इज पीरियड ऑफ इद्दत. पीरियड ऑफ इद्दत कब कमेंस होता है और व्हेन इट एंड्स. डिफरेंट मैरिजेस में डिफरेंट पीरियड ऑफ इद्दत कितना रहता है, उसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इद्दत. सो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इद्दत, कि इद्दत का क्या मतलब होता है. ना, इद्दत इज दैट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज. जैसे मैरिज डिजॉल्व हो जाती है ईदर ड्यू टू द डेथ ऑफ द हस्बैंड और आफ्टर डिवोर्स, देन द मुस्लिम वाइफ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व अ पीरियड ऑफ इद्दत. अब ये इद्दत जो पीरियड होता है उसके दौरान अ मुस्लिम वाइफ कैन नॉट मैरी. उस पीरियड के दौरान वो रीमैरी नहीं कर सकती है. तो आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज डिजॉल्व हो जाती है ईदर ड्यू टू द डेथ ऑफ द हस्बैंड और आफ्टर डिवोर्स, मुस्लिम वाइफ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग अगेन एंड शी हैज़ टू लिव अ प्योर एंड सिंपल लाइफ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. और उस पीरियड ऑफ टाइम में वो रीमैरिज नहीं कर सकती है. दिस इज द पीरियड ऑफ इद्दत. नाउ वी विल सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पीरियड ऑफ इद्दत. अब हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑब्जर्विंग इद्दत, कि इद्दत का पीरियड वुमेन, मुस्लिम वुमेन क्यों ऑब्जर्व करती है. तो इसके दो मेन रीजंस है. फर्स्ट इज टू असर्टेन द पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड. क्या होता है कि इफ देर इज अ रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ डिवोर्स या फिर डेथ ऑफ द हस्बैंड, और अगर मुस्लिम वुमेन तुरंत ही रीमैरिज कर लेती है एंड देन शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो क्या फॉर्मर हस्बैंड का है या फिर जो लैटर हस्बैंड है उसका है. तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शी इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि ये पता चल सके और कन्फ्यूजन को हम लोग अवॉइड कर सकें कि पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड क्या है आफ्टर पॉसिबल कंसेप्शन. नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि इद्दत क्यों ऑब्जर्व किया जाता है. तो अगर देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है इफ हस्बैंड की डेथ के बाद. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड देर इज़ अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिकॉज ऑफ दैट, तो वुमेन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व अ पीरियड ऑफ इद्दत एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डेड हस्बैंड. एक पीरियड ऑफ मोर्निंग उसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वेयर शी शोज रिस्पेक्ट टू हर फॉर्मर हस्बैंड. तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला है टू असर्टेन द पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड आफ्टर पॉसिबल कंसेप्शन, और सेकेंड है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है हस्बैंड की डेथ के बाद, तो एज अ पीरियड ऑफ मॉर्निंग उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हस्बैंड को वो पीरियड ऑब्जर्व करती है वेयर शी लीड्स अ प्योर एंड सिंपल लाइफ एंड शी कैनॉट मैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड. अब हम लोग देखेंगे मैरिज ड्यूरिंग इद्दत. इफ अ मुस्लिम वुमेन मैरीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर इद्दत, देन मैरिज पे जो सेकेंड मैरिज होती है उस पर क्या इफेक्ट होगा. तो सुन्नी लॉ में और शिया लॉ में अलग अलग इफेक्ट होता है. इफ अ मुस्लिम वुमेन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इद्दत शी री मैरीज, देन सुन्नी लॉ में वो जो सेकेंड मैरिज है इट विल बिकम एन इररेगुलर मैरिज और फासिज. बट अगर शिया लॉ में हम लोग देखें वो मुस्लिम वुमेन मैरीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इद्दत इन शिया लॉ, देन सेकेंड मैरिज विल बिकम एन वॉइड मैरिज. वी विल फर्स्ट डिस्कस द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत, कि इद्दत का पीरियड कब कमेंस करेगा. तो इट विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड और फ्रॉम द डेट ऑफ द डिवोर्स. जिस दिन से हस्बैंड की डेथ हुई उस दिन से स्टार्ट होगा या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स. एंड इट विल नॉट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ और डिवोर्स रीचेज. जिस दिन एक्चुअली हस्बैंड की डेथ हुई है या फिर जिस दिन एक्चुअली डिवोर्स मिला है उसी दिन से पीरियड ऑफ इद्दत कमेंस कर जाएगा, ना कि जिस दिन वुमेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है. हो सकता है इन्फॉर्मेशन बाद में उनको जाकर मिली हो, डेथ पहले हो गई हो, तो इन्फॉर्मेशन के टाइम से नहीं कमेंस करेगा, जिस दिन डेथ हुई है उसके टाइम से कमेंस करेगा पीरियड ऑफ इद्दत. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आखिरी चीज़ पीरियड ऑफ इद्दत, कि इद्दत का पीरियड क्या होगा. वो अलग अलग मैरिज में अलग अलग रहता है. सबसे पहले हम लोग वैलिड मैरिज का पीरियड ऑफ इद्दत देख रहे हैं, कि वैलिड मैरिज में मुस्लिम वुमेन को कितने टाइम का इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज मैरिज कंज्यूमेटेड. इफ द मैरिज इज कंज्यूमेटेड बिटवीन द पार्टीज देन क्या पीरियड होगा. इफ मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड एंड इफ वाइफ वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो क्या पीरियड ऑफ इद्दत होगा. अब जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है वो दो तरह से हो सकती है, बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड एंड बाय डिवोर्स. अब इसमें अलग अलग पीरियड देखते हैं हम लोग.
If the marriage is consummated between the parties in valid marriage और डेथ हो जाती है हस्बैंड की, पीरियड ऑफ इद्दत जो मुस्लिम वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो 4 months 10 days है. मैरिज अगर नहीं कंज्यूमेट हुई है तब भी 4 months 10 days. अगर वाइफ वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम जब हस्बैंड की डेथ होती है तो 4 months 10 days का इद्दत उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या फिर टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, विच एवर पीरियड इज लॉन्गर. तो ये हो गया अगर डेथ से मैरिज डिजॉल्व होती है तो कितना इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा वैलिड मैरिज में. अगर डिवोर्स से मैरिज डिजॉल्व होती है, मैरिज कंज्यूमेट हुई थी तो 3 months का. मैरिज अगर नहीं कंज्यूमेट हुई है और डिवोर्स हो गया है तो कोई इद्दत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट है अगर वाइफ प्रेग्नेंट थी तो टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. तो ये पीरियड ऑफ इद्दत है वैलिड मैरिज में. बाय डेथ एंड डिवोर्स का अलग अलग टाइम पीरियड है. ये सिर्फ लर्न करने की चीज़ें हैं. बट ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कब इद्दत नहीं ऑब्जर्व किया जाता, जब डिवोर्स हो जाए पार्टीज का और मैरिज कंज्यूमेट ना हुई हो तो कोई इद्दत ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं. यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम लोग देख रहे हैं पीरियड ऑफ इद्दत इररेगुलर मैरिज में. इररेगुलर मैरिज ऐसी मैरिज होती है जो कि सिर्फ सुन्नी लॉ में ही पाई जाती है. इसमें इररेगुलरिटी रिमूव हो जाती है तो मैरिज वैलिड बन जाती है. इररेगुलर मैरिज में क्या पीरियड ऑफ इद्दत होगा? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है डेथ से या फिर डिवोर्स से, तो अलग अलग पीरियड ऑफ इद्दत होंगे. इफ मैरिज कंज्यूमेट हुई है बिटवीन द पार्टीज एंड हस्बैंड की डेथ हो गई तो 3 months का इद्दत, और डिवोर्स से भी हुआ है तो भी 3 months का इद्दत होगा. मैरिज इफ नॉट कंज्यूमेटेड बिटवीन द पार्टीज, अगर कंज्यूमेट नहीं है मैरिज और हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कितना इद्दत ऑब्जर्व करना होगा? नो इद्दत. यहाँ पर कोई इद्दत नहीं ऑब्जर्व होगा अगर डेथ हो जाती है और कंज्यूमेशन नहीं हुआ. डिवोर्स हो जाता है अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ इररेगुलर मैरिज में, तब भी नो इद्दत. तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं दोनों में सिमिलर है. और लास्ट में वाइफ इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड या एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, देन कितना पीरियड ऑफ इद्दत होगा? टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जब तक चाइल्ड की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक का ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको इद्दत. तो इसमें डेथ या डिवोर्स दोनों में सेम पीरियड ऑफ टाइम है. हाँ, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम लोग आखिरी देख रहे हैं पीरियड ऑफ इद्दत मुता मैरिज का क्या होता है. मुता मैरिज हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. अगर आप लोग देखें टाइप्स ऑफ मैरिज में, मुता मैरिज ऐसी मैरिज होती है जो टेम्प्रेरी मैरिज होती है. इट इज़ फॉर द प्रोक्रिएशन और प्लेजर. अब मुता मैरिज में डिवोर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि मुता मैरिज में जो पीरियड होता है इट इज़ प्रीफिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज इटसेल्फ. वो टाइम जैसे ही एक्सपायर होता है तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है. तो मुता मैरिज में अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो इद्दत का पीरियड क्या होगा? अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई थी बिटवीन द पार्टीज तो 4 months 10 days का उनको वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा पीरियड ऑफ इद्दत. अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई थी मुता मैरिज में और डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो नो इद्दत. अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड उनको इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अब मुता मैरिज में हम लोग देखते हैं डिवोर्स का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बट इट इफ़ द मैरिज डिसॉल्व्स अदरवाइज, किसी तरह अदरवाइज डिसॉल्व हो जाती है तो अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है बिटवीन द पार्टीज देन 2 months का पीरियड ऑफ इद्दत वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो नो इद्दत, और वाइफ प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी ऑफ चाइल्ड. तो ये मुता मैरिज का पीरियड ऑफ इद्दत है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो वर्ल्ड मैरिज ऐसी मैरिज होती है जिसमें कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज अराइज नहीं होते. इट हैज़ नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. सो वर्ल्ड मैरिज में पीरियड ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है इद्दत का भी. तो ये हम लोगों ने देखा आज के लेक्चर में मीनिंग ऑफ इद्दत की, इद्दत का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड ऑब्जर्विंग इद्दत. फिर हम लोगों ने पीरियड डिस्कस किया एकदम डिटेल में कि कब कमेंस होता है, और अलग अलग मैरिज का हम लोगों ने वैलिड मैरिज इररेगुलर और मुता मैरिज का पीरियड ऑफ इद्दत देखा, और कैसे मैरिज कंज्यूमेट हुई हो ना कंज्यूमेट हुई हो या वाइफ प्रेग्नेंट हो तो अलग अलग पीरियड ऑफ इद्दत है जो पूरा उसमें लर्निंग पार्ट है. तो ये हम लोगों ने देखा. So that was all for today and I will see you in next class with another topic relating to Muslim law. Thank you so much.